नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 TV, आपके साथ मैं हूं पंकज रौथेरा। देश में सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, वही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना तो आम आदमी के बजट से पहले ही बाहर था। इधर कोरोना का महंगा इलाज कराना तो नामुमकिन सा हो गया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए टेस्ट के रेट फिक्स कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाज की अलग अलग दरों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि पूरे देश में एक रियायत वाला टेस्ट तय हो। आज इसी मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें। हालांकि ये मांग पहले से उठती रही है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 TV के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उससे पहले रिपोर्ट। कोरोना के महंगे इलाज को लेकर कहा जाता है कि अगर इलाज ना मिला तो जान चली जाएगी और इलाज कराया तो जमीन जायदाद चली जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों की रेट लिस्ट देखकर तो लगता है कि ये बीमारी के इलाज का रेट नहीं बल्कि किसी बकाए का नोटिस है। लेकिन इस नोटिस को नोटिस करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें कम करते हुए इन्हें फिक्स कर दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने नीति आयोग के सदस्य वीके पाल की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था। अब इस आयोग की सिफारिशों के बाद दिल्ली में कोरोना का इलाज कम दाम में होगा और खर्चा 3 गुना कम हुआ। यानी आइसोलेशन बेड के लिए पहले 25,000 तक का चार्ज था, जो अब 8,000 से 10,000 होगा। बिना वेंटिलेटर ICU बेड का खर्च पहले 34,000 से लेकर 43,000 तक था, जो अब 13,000 से लेकर 15,000 तक ही आएगा। वहीं वेंटिलेटर और ICU बेड की बात करें तो पहले इसका खर्च 44,000 से लेकर 55,000 तक आता था, लेकिन रेट फिक्स होने पर अब ये चार्ज 15,000 से लेकर अधिकतम 18,000 होगा। दिल्ली में उठाए गए इस कदम की मांग अब प्रदेश के साथ साथ देश में भी होने लगी है। इसका इलाज करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है गरीब तबके के लोगों को। तो जैसे दिल्ली में एक ये सराहनीय पहल हुई है, तो पूरे अगर देश में ये पहल हो, सस्ता इलाज हो, तो जिसमें सभी जनता को लाभ मिले, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। इसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये फैसला लेना चाहिए कि जो हमारे नोएडा या उसके आसपास क्षेत्रों में यूपी के अंदर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें भी ये चीज लागू कर देनी चाहिए। बहरहाल कोरोना टेस्टिंग के दाम पर मचे कोहराम के बीच राहत की खबर ये भी है कि इस फिक्स चार्ट में कोरोना टेस्टिंग का रेट 2400 रुपये कर दिया गया है। पहले यही रेट 4500 रुपये था। यही नहीं, कोरोना की जांच अब रैपिड एंटीजन तरीके से होगी, जिससे रिपोर्ट भी 15 से 20 मिनट में आ जाएगी। कुल मिलाकर कोरोना के जख्म पर केंद्र का ये वो मरहम है जिसमें गरीब आदमी भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराकर अपने प्राण बचा पाएगा। वही सवाल ये है कि दिल्ली में जैसे इलाज हुआ है सस्ता, क्या पूरे देश में भी अपनाया जाएगा ये रास्ता? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हालांकि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा, प्रवक्ता BJP, अनुराग भदौरे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, डॉक्टर PK गुप्ता, प्रवक्ता IMA हमारे साथ हैं, KK पांडे जी, नेता कांग्रेस, सैयद जरीन, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ, राजीव त्यागी, डायरेक्टर अपेक्स हॉस्पिटल, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे मैं करने जा रहा हूं। पहले तो कोरोना काल में जिस तरह से तस्वीर देखी गई, सरकारी अस्पतालों पर दबाव बना और प्राइवेट अस्पताल ताला लगाकर घर पर बैठ गए, और बार बार इस मंच से भी ये मांग उठते रही, आपने कई बार उठाया, और साथ ही साथ रेट को लेकर भी कई बार बात हुई, आखिरकार काम हो गया, लेकिन और होना बाकी है देश के फलक पर। जी बिल्कुल, मैं कहूंगा अभी तो ये आरंभ है और देर आए दुरुस्त आए की बात जरूर है। आज से करीब 3 हफ्ते पहले हमने इसी मंच पर यह बात उठाई थी कि देश, न केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली का मसला नहीं, मैंने कहा था पूरे देश में
इस महामारी के इलाज का जो रेट है उसको लेके कैपिंग करिए, कानूनी तौर पर कैपिंग करिए। कोई अस्पताल उस कैपिंग के विरुद्ध ना अदालत जा सके, ना कहीं हंगामा कर सके, ना कुछ नहीं। सरकार के पास इसका अधिकार है और उतना अक्षुण्य अधिकार है कि उसको अदालत में भी चुनौती नहीं हो पाएगी। या तो अस्पताल चलाइए या बंद कर दीजिए, और अगर आप बंद भी कर देंगे इस कैपिंग के विरोध में तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़िए, इतने इस महामारी एक्ट में उतने अधिकार हैं कि वह आपके अस्पताल को अधिग्रहित कर लेगा एक सिंपल नोटिस से जी। मशीन कर्मचारी समेत अधिग्रहित हो जाएगा अस्पताल। क्या समस्या थी? क्या हमको यह मालूम नहीं था आंकड़ा कि हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं का 70% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एंड ऑल, 30% में सरकारी है। और जब इतनी बड़ी महामारी आ गई कि लाखों लाख लोग संक्रमित होने लगे, तो हमने ये सोच कैसे लिया कि केवल सरकारी से निपटा लेंगे? सरकारी में सब कुछ मुफ्त है, रहना खाना सब ठीक है, लेकिन उतने से बात नहीं बनेगी ना। 70 और 30 का रेशियो चल रहा था कोरोना से पहले तक भारत में, वो अचानक 100% सरकारी पर अगर आ जाएगा लोड, तो क्या स्थिति बनेगी? और वो स्थिति बनी। बेहतर होता जब आंकड़े कम थे तभी देश में एक ये व्यवस्था लागू कर दी जाती, और सभी राज्यों से केंद्र कहता कि एक मानक रेट हम भेज रहे हैं, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आप इस पर मोहर लगाइए। तमिलनाडु ने किया। आपने सुना तमिलनाडु का कोई निजी क्षेत्र का अस्पताल धरने पर बैठा हो, कोर्ट गया हो? नहीं, कोर्ट जाएंगे जेल जाएंगे, धरना पर करेंगे जेल जाएंगे, क्या दिक्कत है? महामारी से निपटना बड़ी चुनौती है कि निजी क्षेत्र के अस्पताल का मुंह देखें कि भाई इनके मालिक दुखी हैं कि सुखी हैं, ये बाद में देखेंगे जी। आज वो हुआ, और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री की दखल के बाद वो स्थिति बनी। दिल्ली में टेस्ट का रेट दिल्ली सरकार भी कर सकती थी इतना, इसके लिए केंद्र की दखल की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन वो काम भी तब हुआ जब केंद्र ने दखल दी, वरना 4500 5000 जिसकी जैसी श्रद्धा थी वो वैसी पर्ची काट रहा था टेस्ट के लिए। मैं हैरान इस बात पर हूं, इतने जरूरी जरूरी उपाय हमारे दृष्टिपटल में समय रहते क्यों नहीं आते? चलिए अब ये हो गया, आपको नहीं समझ आई राज्यों को, अब एक उदाहरण सामने आ गया। यही मॉडल कहीं 1000 कम कर दीजिए, कहीं 1000 बढ़ा दीजिए, राज्यों को उतना विशेषाधिकार है, लेकिन लगभग यही मॉडल पूरे देश में हर राज्य को एडॉप्ट कर लेना चाहिए 24 घंटे के भीतर। या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोरोना संक्रमितों की संख्या फला बिंदु तक पहुंच जाएगी तब ऐसा करेंगे क्या? ये निजी क्षेत्र के अस्पताल भी इसी भारत की पूंजी से बढ़े हैं, बने हैं, जन्मे हैं, इन्होंने भी सरकारी अनुदानों का, छूटों का लाभ लिया है। और मान लीजिए ना भी लिया हो, जब होटल को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया सरकारी रेट पर, तो अस्पताल कहां है? क्यों नहीं बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जब 5 तारा होटल बात मानने के लिए बाध्य है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं होगा? ये इससे बड़ा कोई जनहित का मुद्दा ही नहीं था। मैंने पैकेज देखे थे बड़े अस्पतालों के कोरोना की लड़ाई से इलाज के, वो तब जब कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, मुझे तो पैकेज देख के पसीना आ गया, लगा कोरोना हो गया क्या मुझे ही। मैं नाम नहीं लूंगा अस्पतालों के, ऐसे पैकेज थे
जैसे शादी ब्याह के पैकेज हो। लूट की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? मनोज मिश्रा जी, आपसे बात शुरू करूंगा मित्र। एक कागज पत्र बन गया, एक जगह लागू हो गया, अब शायद बाबुओं के लिए आसानी होगी आदेश बनाने में, उसी की कॉपी मंगा लें और उसी में किंतु परंतु लगा के ऊपर नीचे कुछ करके और जारी कर दें, नहीं तो मेहनत बचेगी और हमारे प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को भी थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा संतोष मिलेगा, नहीं? अमिताभ जी, मेरा नंबर है जी, आपका ही नंबर है भाई, आपको ही लागू करना है यूपी में। अमिताभ जी, आपने ये विषय उठाया वास्तव में प्रशंसा की योग्य है और मैं लगातार देखता हूं कि R9 TV लगातार जनहित के मुद्दे उठाता है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। मुझे कहना यह है जी, योगी जी की सरकार ने जो COVID-19 टेस्टिंग जो 4500 रुपए जिसका रेट ट्रायल लेते थे प्राइवेट लैब, वो अब उसे 2500 कर दिया, पहले कदम की शुरुआत। जैसा कि दिल्ली में आपने बताया या अन्य माध्यमों से समाचार मिल रहा है कि तो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद रेट तय हो गए, तो निश्चित दिशा में उत्तर प्रदेश इस पर विचार कर रहा होगा और निश्चित तौर पर ये सुविधा होगी। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सुविधाएं दी गई हैं जिला स्तर पर, उतना अभी संक्रमण उत्तर प्रदेश में दर उतनी नहीं फैली है, क्योंकि लगभग हर जिले में टूलेट मशीन पहुंच गई। मनोज भाई, मसला वो नहीं है, मसला वो नहीं है जी। देखो एक बात बताएं आपको, मैं बात फिर हम कल भी बोल देते हैं कई बार बिना नफा नुकसान की चिंता किए, ये मेरी फितरत है जी। अभी बड़े आदमी को कोरोना हो जाएगा, वो कहां शिफ्ट होगा हमको मालूम है ना जी। और कोई दूसरा आदमी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहे तो 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च करे, ये निश्चित तौर पर ये हो रहा है और इसीलिए बाकी लोग जहां से मेदांता आएंगे जी, हाँ जी, जहां से मेदांता में आके भर्ती होंगे, और ननकू और रज्जा कहां जाएगा? देखिए अमिताभ जी, जैसा कि मैंने पूरी बात आपने नहीं होने दी जी, कि मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जितना संभव है आम आदमी के लिए, जिस वर्ग की बात आप प्रायः करते हैं उसी वर्ग के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करी और पूरे प्रदेश में 1,01,000 कोविड बेड की व्यवस्था करी, उसी वर्ग के लिए इसके लिए किया। और चूंकि अभी संक्रमण दर उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं जितनी दिल्ली में है, इस नाते इतना समय है यहाँ पर कि व्यवस्था की जा सके। पहले राउंड में PPE के ग्लव्स मास्क और इनकी व्यवस्था करनी थी, वो हो गई, फिर कोविड बेड की व्यवस्था करी गई और इस तरह सारी व्यवस्थाएं करी जा रही है। लेकिन जो रेट की बात है, निश्चित तौर पर इस पर नियंत्रण होना चाहिए, इस बात से इन प्रिंसिपल हम लोग सहमत जी। ठीक बात है। राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं एपेक्स हॉस्पिटल के। एक सवाल राजीव जी से लूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। राजीव जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हमारे देश के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जो श्रृंखलाएं हैं अस्पतालों की, नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, जिन्होंने अक्षय संपत्ति अर्जित की इसी देश से, कोई गांव से लेके तो आया नहीं था जिन्होंने खोले अस्पताल, न रेड्डी साहब न सरदार जी, अब आगे नाम तो ना लूं पूरा, जरूरत नहीं ना, आप लोग तो समझदार हो, उसी फील्ड के हैं, गांव से तो लाए नहीं, हम जानते हैं उनको गांव से। ठीक, बेहतर तो ये होता, खुशनुमा ये होता कि देश के सारे बड़े अस्पताल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आज से 20 दिन पहले और कहते कोरोना से लड़ने के लिए हमारी ओर से ये विनम्र योगदान है, 10,000 रुपया में ये सुविधा मिलेगी, 15,000 में ये मिलेगी और 20,000 में मिलेगी, इससे ऊपर कोई ले नहीं सकता, पूरे देश को कितना अच्छा लगता। अब ये काम सरकारों के नियमों से होगा, लेकिन आपका मन तो पता लग गया ना त्यागी जी। अमिताभ जी, एक जी। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने इस टॉपिक को उठाया और हमेशा भी उठाते रहे हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। एक्चुअली मेरा इसमें सोचना ये है कि ये जो पैंडेमिक है, ये हमारे जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने भी कभी नहीं देखा, हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा, हो सकता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी शायद ना देख पाए। मेन कंसर्न ये है कि इस टाइम पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं,
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो सभी लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सबको सबको टेक ओवर कार्ड है 50,000 रुपए प्रतिदिन का, सबको टेक ओवर ले सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। 50,000 रुपए प्रतिदिन का छपा हुआ रेट कार्ड है। मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट कहे तो वो टेक ओवर ले सकती है। ये जो 4500 रुपये रेट है ये भी गवर्नमेंट ने रखा था, अभी जो 2400 रुपये आम आदमी पार्टी ने रखा है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने रखा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो सिर्फ उन गाइडलाइंस को इस पेंडेमिक में फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसकी गाइडलाइन कहाँ से आई थी कि 50,000 रुपया कमरा रखो पर डे? और साबुन का अलग और चाय का अलग और बिस्कुट का अलग बिल बनेगा। ऐसे हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, तमाशा क्यों? अगर ऐसे हॉस्पिटल्स की बात करें, हाँ। एक तो ये अपने आप में काफी गलत है इस तरीके के चार्जेस। दूसरी बात, हाँ, एक तो ये चार्जेस डेफिनेटली जो चार्जेस हैं, जो भी ओवरबर्डन चार्जेस हैं, वो इस पेंडेमिक के टाइम में गलत हैं। दूसरी बात एक और भी है कि ऐसे हॉस्पिटल्स मेरे हिसाब से गिनती से गिने हुए हैं हॉस्पिटल्स, ज़्यादा नहीं है ऐसे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो हॉस्पिटल्स हैं या जो नर्सिंग होम्स हैं वो अपनी तरफ से पूरा जो भी उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं। ये जो कुछ तो दुनिया की बात ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भारत के 200 बड़े अस्पतालों की जो चेन है वो सब लोग एक ज्वाइंट फेडरेशन के तहत सामने देश के आते और स्वेच्छा से ये घोषणा कर देते, टैरिफ दे देते, तो क्यों जरूरत पड़ती ये कानून लाके लागू कराने की? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन इसमें एक चीज और भी तो हो सकती है, वो ये कि गवर्नमेंट ही इसको शुरू से ही मस्त कर दे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, क्यों नहीं कर दे, क्या प्रॉब्लम है? केंद्र सरकार कह सकती है कि सारे हॉस्पिटल्स इस समय पर नोबडी विल चार्ज, गवर्नमेंट कह सकती है ना, तो कह दे, तो कहीं देगी, नहीं कहेगी तो हम कह देंगे, नहीं वो तो ठीक ही ठीक है। बेसिकली कंसर्न ये है कि इस पेंडेमिक के टाइम में अगर कोई भी अलग से कुछ करेगा तो वो अननेसेसरली एक अलग लाइट में होगा। इसमें बेटर ये रहेगा कि गवर्नमेंट को एक जो है एक ऑर्डर पास कर दे कि इन सारे हॉस्पिटल्स को फला हॉस्पिटल्स को, मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, इसमें अलग थलग लगने की कोई बात ही नहीं थी, पुण्य का काम था, अरबों कमाए हैं, 2-4-5 करोड़ रुपया मान लो इस महामारी में अस्पताल कम भी कमा लेगा तो भूखे मर जाएंगे क्या मालिक? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। गाड़ियों की फ्लीट जमा की हो कोई 2 करोड़ की, कोई 5 करोड़ की, जिससे घूम रहे हैं सब, और 50,000 रुपया रोज कमरे का चाहिए। अरे बाकी रोग में तो ले ही रहे हो भाई, इसमें तो बख्श दो। अनुराग भदौरिया, पूरे देश में जी अगर अस्पतालों ने पहल नहीं की तो हर राज्य सरकार को यह चाहिए था मेरी दृष्टि में कि शुरुआती दौर में ही कैपिंग कर देनी चाहिए थी रेट की, कि इससे नीचे ले ओ, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर लेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है आपके खिलाफ मुकदमा करे और जेल भेजे। ये हो जाता तो कम से कम हिंदुस्तान के आदमी को राहत मिलती। देखिए अमिताभ जी, जी ये सब चीजें तब होती हैं जब सरकार गंभीर हो, पता चलता हो कि सरकार वाकई कुछ करना चाहती है, कुछ उसका काम दिखाई पड़ता हो। भाई देखिए हॉस्पिटल्स का, जैसे आपने बोला सरकार के पास तो टीम 11 है, टीम 11 का काम ही क्या है? जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको एक एक भाई एक जीओ ही तो जारी करना था कि भाई इतने से ऊपर ये कैपिंग हो गई, इससे ऊपर आप इस आप कोरोना काल में लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हैं, लोगों पास पैसा नहीं है, अगर उनको कोविड होता है तो आप इससे ज़्यादा उनसे नहीं ले सकते, क्योंकि हर आदमी यहाँ सफ़र कर रहा है, चाहे किसी सेक्टर को, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का व्यक्ति हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का व्यक्ति हो। तो भाई हॉस्पिटल वाले जो हॉस्पिटल के मालिक हैं वो भी थोड़ा बहुत कोरोना काल में थोड़ा एडजस्ट करें ना, जैसा आप कह रहे हो कि भाई 4 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी, थोड़ा गाड़ी कम चल लें, लेकिन ये तभी हो सकता है ना जब वहाँ का DMO CO या सरकार चाहेगी। सरकार तो भाई चाह ही नहीं रही है, सरकार तो वो चाह रही है जैसे कि बड़े लोगों की मदद करने के लिए सरकार बनी,
नहीं है। आपने देखा होगा ये डिबेट हुए कम से कम 10-12 दिन हो गए होंगे, उसके पहले हमने कई बार चिल्लाया कि गरीब परेशान है बेचारा, उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, ना उसको रहने की जगह है, ना बेड की जगह है, ना खाने की जगह है, ना वहाँ पे डॉक्टर आता है, वहाँ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो कम से कम ऐसा सिस्टम बना दो आपकी कि जो क्वारंटाइन सेंटर आपने बनाए हैं उनके अंदर में एक हॉस्पिटल का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल की सुविधाएं आप मुहैया करा दीजिए। भाई आपके पास बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, किसी को आप कहोगे वो वहाँ पे एक टेम्परेरी हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया करा देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका एक नेक्सस चल रहा है, आपके साथ जो मिले हुए जो हॉस्पिटल के लोग हैं उनके साथ आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गंभीर मसला है। तभी तो एक महिला जो घूमती रहती है नोएडा के अंदर 8 हॉस्पिटल का चक्कर काटती तब भी उसका एडमिशन नहीं होता और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है एक प्रेग्नेंट महिला की, या देश के अंदर ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है, और सिर्फ नोएडा के अंदर नहीं अमिताभ जी, जब आपने देखा होगा यहाँ पे फतेहपुर में भी, वहां भी एक महिला घूमती रही प्रेग्नेंट थी, किसी हॉस्पिटल में उसको भर्ती नहीं किया गया तो उसकी बच्ची की डिलीवरी बाहर ही हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल की मनमानी चलती है, हॉस्पिटल कोई सुनने वाला नहीं है। एक्शन क्या होगा? क्या उनको यहाँ नोएडा के सीईओ को अगर उसी समय बुला के आपने बर्खास्त कर दिया होता, उसमें आपने रासुका लगा दी होती, तो शायद दूसरे हॉस्पिटल की हिम्मत ना पड़ती। आप एक आध हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन तो लीजिए, बट आप एक्शन लेते नहीं है। जब एक्शन ले नहीं रहे तो उनका मनमाना बढ़ता चला जा रहा है। आप अभी भी राजनीति कर रहे हैं, अभी कोरोना काल में भी आपको राजनीति नजर आती है। अगर कहीं दूसरे जैसे आपने देखा 72 बात कह रहा था, नहीं नहीं सारी राज्य सरकारें शामिल थी। एक सेकंड सुनो, जब मैंने सबसे पहले इस पर चर्चा की उसके बाद मुझे केवल एक राज्य से कंप्लायंस दिखाई दी, दैट इज वन एंड ओनली तमिलनाडु। बाकी किसी हर पार्टी की सरकारें हैं, किसी पार्टी की सरकार के कान पर जू नहीं रहूंगी कि अपने राज्य में 4 लाइन का आदेश जारी कर दे। मेरी शिकायत सबसे है, कोरोना सब जगह है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। के पांडे आपके पास आऊंगा भाई, ये अगर काम हो जाता तो सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होता, आदमी सोचता चलो भाई 10-20 हजार रुपया इकट्ठा करो और यहीं पड़ोस के अस्पताल में इलाज करा लेंगे, थोड़ी सुविधा रहेगी रजिस्ट्रेशन में आने जाने में, सरकारी अस्पताल की दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन किसी राज्य सरकार ने यह चिंता नहीं की। यह चिंतन दिल्ली में भी तब हो पाया जब खुद गृहमंत्री ने चेयर की बैठकें, तब जाके टेस्टिंग का रेट 2000 रुपया हो पाया और तब जाके अस्पतालों के लिए कैपिंग हो पाई। ये तो बहुत छोटा काम था, ये राज्यों ने खुद ने क्यों नहीं कर लिया समय से पहले? नहीं, गृह मंत्री के हस्तक्षेप के पहले भी कई राज्यों में इसकी टेस्टिंग के रेट कम हो चुके थे। अगर गृह मंत्री का हस्तक्षेप देश मैं कह रहा हूं भाई, अस्पताल की कैपिंग, अस्पताल के रेट तो की पूरे लॉकडाउन भर उनका पता नहीं चला। अरे मैं क्या कह रहा हूं वो तो सुन लो महाराज, मैं कह रहा हूं हॉस्पिटल्स के रेट कैपिंग केवल तमिलनाडु ने की, बाकी किसी ने नहीं की। क्यों नहीं की? गुजरात ने क्यों नहीं की? मध्य प्रदेश ने क्यों नहीं की? झारखंड ने क्यों नहीं की? आंध्र ने क्यों नहीं की? महाराष्ट्र ने क्यों नहीं की? उत्तर प्रदेश ने क्यों नहीं की? मैं सबको कह रहा हूं, इसमें कौन सा अध्यादेश संविधान संशोधन बिल लाना था? नहीं, बिल्कुल हो सकता था, और सरकार को यह अधिकार है कि महामारी के समय किसी भी हॉस्पिटल को अधिग्रहित कर सकती थी। जब होटल अधिग्रहित हो रहे हैं तो अस्पताल का अधिग्रहित होना कोई बड़ी बात नहीं थी। अमिताभ जी, एक विभाग होता है महामारी को रोकने के लिए, एक विभाग होता है जो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के हर मेडिकल कॉलेज में होता है, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है। अब उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार, हम उत्तर प्रदेश में आज चर्चा करने बैठे हैं तो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का मैं समझ रहा हूं, मैं भी कोरोना भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से सारी चीजें शुरू हुई, कहीं इसका उपयोग करते हुए सरकार में देखा नहीं गया। ये विभाग कहाँ है? ये गायब हो गया, बंद हो गया कोरोना में, ईश्वर न करे कुछ हो गया ना हो गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीमारी है, महामारी है, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर। आज इलाज कौन कर रहा है पूरे देश और प्रदेश में? आईएएस, चाहे 11 की टीम हो,
चाहे प्रदेश में बैठे हुए, चाहे वो उनको ब्रीफ कर रहे हो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, या कौन कर रहे हैं, आईएएस पुलिस का यह सही है कि इस महामारी में पुलिस विभाग ने भी अपना योगदान दिया। पांडे जी ठीक है, ये तर्क यहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है पांडे जी, मैं सैयद जरीन के पास आऊं। ठीक है पांडे जी, मैं सैयद जरीन के पास चलूंगा और उस सबसे अंत में पीके गुप्ता साहब के पास आऊंगा। देखिए बात तो डिटेल होगी कोरोना पे। ठीक है ठीक, एक मिनट रुको, वो जो तर्क आपने दिया ना वो यहाँ लागू नहीं होता। डिफेंस सेक्रेटरी आईएएस होता है, तब ये कहना कि भाई फौज वाला सेक्रेटरी क्यों नहीं है, कौन तय कर रहा है नीतियां, आईएएस। ठीक, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो बंजर भूमि विकास का, अरे सुनो भाई, बंजर भूमि विकास का सचिव भी बना, उसको घर बैठा दिया जाए। एक सेकंड पांडे जी, अब मैं आपको उत्तर दे दूं, ठीक है ना, कांग्रेस शासित राज्य है उसको घर बैठा दिया जाए। मेरी बात तो सुनोगे कि नहीं? मेरा शो तो आप जानते हो ऐसे नहीं चलता मित्र। आपने अपना तर्क रखा, उस पर मैं एक टिप्पणी करके जरीन के पास चलूंगा। कांग्रेस शासित राज्यों में भी हेल्थ सेक्रेटरीज ही कोविड को कमांड कर रहे हैं ऑपरेशन को, और वो आईएएस है, ठीक है ना, इसलिए वही बात बोलिए जो टिक पाए। सैयद जरीन, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर इग्नोर नहीं हो रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक अरे ठीक पांडे जी भाई रुको रुको, किस तरह से लोगों को पैसे दे रहे, ये भाषण नहीं, वही मांग हम जो है पूरे देश से कर रहे हैं। स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं करो महाराज, मैंने कहा कोविड को लीड अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कर रहा है वो हर जगह आईएएस कर रहा है। इसमें क्या, इसमें कौन, मेरी बात काट दो या तो ये स्वीकार कर लो, दो बातें तो नहीं हो सकती ना एक साथ। नहीं अरे आईएएस तो करेगा, अजब बात है, डॉक्टर और अभी आप कह रहे थे कि आईएएस लीड क्यों कर रहा है, आईएएस नहीं क्यों करेगा तो कौन लीड करेगा, वो कबीर अजब आले भाई, कम्युनिटी मेडिसिन तो वहां तक रहो, आप आगे चले गए, रोकना पड़ा। ठीक माने जी, ठीक सही जरी हॉस्पिटल्स अपने आप ये कदम उठाते तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता देश के सामने, और एक बड़ा श्रद्धा का भाव निजी अस्पतालों के लिए जागता इस आवाम, इस देश के आवाम में। लेकिन वो तो हुआ नहीं, अब चलो जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, अब कानून से ही हो जाए, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए उतना ठीक, अब इसमें तो देर ना की जाए। जी क्या कहते हैं जी अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा एक ये आज का टॉपिक रखा है जी, कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देखिए हमारे देश में डॉक्टर्स को क्या माना जाता, भगवान माना जाता, दूसरा भगवान। तो जो प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल्स थे, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत पहले आकर के ये योगदान देना चाहिए था, चाहे प्रदेश हो चाहे देश की हम बात करें, उनको सबसे पहले आकर ये योगदान देना चाहिए था कि भाई आप जो है हमारा जितना भी एक एरिया अधिग्रहित करना चाहें कोविड पेशेंट्स के लिए स्पेशली, आप उनको ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को जो है वो आइसोलेशन सेंटर के लिए उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए। बहुत लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के लिए कहा था कि आप हमारा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी जो यूज नहीं हो रही, जो शहर के बाहर है, लेकिन अच्छे हालात में लोगों ने खुद आगे बढ़ करके करा था। तो जिस तरीके से ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो वहां पर तो बिल्कुल जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल वाले हैं, देखिए लाइसेंस उन्हें कौन देता है, लाइसेंस उन्हें सरकार देती है, उनके पेशेंट्स कौन होते हैं, इसी देश के नागरिक तो होते हैं, टैक्स का पैसा ही तो वो अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं पहले आकर के इस चीज की पहल करी। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, मैं इस वक्त देश के जो हालात चल रहे हैं, हमारे प्रदेश के जो हालात चल रहे हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई समस्याएं बताना चाहूंगी कि कोविड के अलावा भी अगर कोई भी पेशेंट बीमार होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लिवर एब्सेस हो रहा है, तो बिना कोविड जांच के डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा है। तो ये तो टेस्ट सस्ता होना ही होना चाहिए भाई। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आए हैं लॉकडाउन के बाद, जो लोग अपने अपने शहर वापस आए हैं, तो जिन समस्याओं के थ्रू वो जिस तरीके से उन्होंने ट्रेवल करा है, तो हो सकता है कि वो संक्रमित हो, तो इस टेस्ट को तो लाजमी सस्ता होना चाहिए, और ऐसी फैसिलिटी जो इस टाइम मेडिकल फैसिलिटी है उसको बहुत ही सस्ता होना चाहिए,
ताकि आम आदमी, भाई हम वोट क्यों करते हैं, हम क्यों सरकार अपनी मर्जी की लाते हैं, हम इसीलिए तो लाते हैं कि भाई जब हमारे ऊपर कोई ऐसी परेशानी पड़े, कोई महामारी पड़े, कोई मुसीबत पड़े, तो हमें हमारे देश के जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका साथ मिले। और जबकि ऐसी महामारी के पूरे विश्व में ये चीज चल रही है, तो हमें इलाज सस्ता चाहिए, चाहे वो हम ट्रूनेट मशीन के जरिए करें, चाहे हम रैपिड मशीन के जरिए करें, हमें जो टेस्टिंग है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी हो रही है, चाहे वो अभी आप नोएडा में जो लेडी की अभी बात करी जा रही थी कि वो क्यों 8 हॉस्पिटल में, किसी ने वजह जानने की कोशिश करी, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा है, बिना कोविड टेस्ट अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है, तो इसको तो सस्ता होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है और सस्ता करना चाहिए, बल्कि फ्री करवा देना चाहिए, ताकि जो आम आदमी है, जो गरीब जनता है, वो आसानी से अपने टेस्ट करा सके। क्योंकि जो यूपी की गवर्नमेंट है, उसने तो एक आदेश कर दिया कि राज्य सरकार और यूपी सरकार जिसको चिन्हित करेगा उसी का ही कोविड में फ्री टेस्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर जिनको और इसके ऐसे सिम्टम है वो इतने इजी समझ में नहीं आते 15 दिन तक, तो जो अगर नॉर्मल भी बीमार पड़ रहा है उसको भी अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ रहा है जी, तो ये तो सस्ता होना ही, बल्कि मैं तो कह रही हूं इसको फ्री होना चाहिए, जांच फ्री होनी चाहिए। ठीक है जरीन, मैं अभी यहां तक नहीं जाऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर में टेस्ट को निःशुल्क कर दिया जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में टेस्ट जितनी विधियों से हो रहे हैं, 3-4 विधियां इस वक्त भारत में चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं, है ना, 3-4 तरीकों से टेस्ट हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो पूर्णतः निःशुल्क हैं, लेकिन वो चीज अभी बहुत दूर की है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में भी निःशुल्क कर दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में जब आप इसको निःशुल्क करेंगे तो फिर सारा वो एक तरीके से सरकारी खर्चा ही हो जाएगा, है ना। प्राइवेट सेक्टर यहां तक तो ठीक है कि भाई ठीक है आप 2000 ले लीजिए, वहां तक तो राजी है, लेकिन जब हम कहेंगे कुछ नहीं लीजिए तो वो कहेंगे सामान भेज दो, हम लगवाते रहेंगे मशीन, सामान आप भेज दो, जैसे कच्चा खान राशन आप भेज दो, हम सिखवा देंगे पूरी, चलो तो कच्चा राशन भेजना पड़ेगा, इसलिए ये चीज अभी मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। लेकिन हां, यहां तक भी आधे पर आ गया, आधे से कम पर आ गया, ये बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। गुप्ता जी, आपकी संस्था से मेरा मन बार बार खिन्न हो जाता है, पता नहीं नींद की गोली खाए हो, क्या है आईएमए क्या कर रही है, सन्निपात में है, निद्रा में है, इस बड़े मुद्दे पर आईएमए ने कभी पहल क्यों नहीं की महाराज? आईएमए इस देश की संस्था नहीं है क्या, वो लंदन की है, उसने अस्पतालों से ये क्यों नहीं कहा, सारे डॉक्टर उसके मेंबर है, अपने डॉक्टर से हॉस्पिटल से, कि भाई ये लूट का इतना बड़ा कारोबार मत फैलाओ कि 40,000-50,000 का कमरा कर दोगे एक दिन में, और उसके बाद भी तमाम चीजें अलग से इंक्लूडेड है उसमें, तो बिल बन के आएगा और ऊपर से लगेगी जीएसटी, तो वो तो हो जाएगा 90,000 का, और 14 दिन जो आदमी रह लिया उसका तो खेत बिक गया। हमको दिखाई देता है ये टैरिफ, आप लोगों को नहीं दिखाई देता आईएमए वालों को गुप्ता जी? अमिताभ जी, जी मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए, इसीलिए बुलाया। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बार बार आईएमए को आप टारगेट करते हैं कि सन्निपात हो गया है, आईएमए कुछ नहीं कर रहा है। सर, इस शब्द से आप परहेज करें, आईएमए बहुत बड़ी बॉडी है और डॉक्टर्स उसके मेंबर्स हैं, और जो भी आज महामारी का दौर चल रहा है यही डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, और मैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम करते हैं और छोटे मझोले स्तर के अस्पताल खुद बनाते हैं। डॉक्टर मैं बात करता हूँ उनकी, जो डॉक्टर ड्रिवन हॉस्पिटल छोटे मोटे हैं, मोहल्ले की एक क्लिनिक है, एक जांच केंद्र है, ये डॉक्टर ही है,
जो कि वहां पे काम कर रहा है, और आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के रेट को लेके आप वहां पे डिस्प्ले किया हुआ सर, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं, मैं मेरा सवाल है कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर इस महामारी के दौर में काम कर रहे हैं और हम गाइडलाइन से फंसे हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो गाइडलाइन दे रही है उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 70% केयर निजी क्षेत्र दे रहा है, वो डॉक्टर ही दे रहा है, लोगों का विश्वास क्यों निजी क्षेत्र पे है? इसलिए कि किफायती दर पे हम काम करते हैं और तन्मयता के साथ काम करते हैं। 70% लोग आएगा निजी क्षेत्र में, आप भी कभी न कभी इलाज कराया होगा, आप तो निजी क्षेत्र में गए होंगे। सर, इस महामारी के दौर में निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर कि जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, तो यहां पे कोविड पेशेंट को ट्रीट करने का अधिकार अभी प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स को नहीं है। निजी क्षेत्र को अभी कोविड केयर करने का अभी परमिशन नहीं है। हम सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग चल रहे हैं। सरकार ने जब कहा ओपीडी खोलने के लिए, तो हमने ओपीडी खोला। सरकार ने कहा कि नॉन कोविड ट्रीटमेंट अब स्टार्ट करो, हम नॉन कोविड कर रहे हैं। सरकार ने कहा बंद कर दो ओपीडी, पूरे कम से कम 70 दिन तक ओपीडी बंद रही सर। डॉक्टर जो है चाह के भी अपनी सेवा नहीं दे पाए। नॉन कोविड हॉस्पिटल कितने दिनों तक बंद रहे? तो सर टारगेट करने की जरूरत नहीं है, सलूशन दीजिए। मसला टारगेट करना के नहीं है, ठीक नहीं है सर। ठीक, आगे बात आ गई आपकी बात। मसला टारगेट करने का नहीं, टारगेट कर भी नहीं रहा, डॉक्टरों को डिमोरलाइज कर। अरे सुनिए भाई, इस समय आप एक तरफ फूल बरसाते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से टारगेट करते हैं। पीके गुप्ता साहब ने कहा कि 70% इलाज इसलिए देश में निजी क्षेत्र पे होता है क्योंकि किफायती इलाज होता है निजी क्षेत्र में। यह तथ्य गलत है। 70% निजी क्षेत्र में जाने को लोग इसलिए भी विवश होते हैं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उस स्तर की नहीं, नहीं कर रहा उस स्तर की नहीं। मैं छोटे, ये समझना होगा इनको, सिंगल क्लिनिक ये समझना होगा कर रहा हूं सर, ठीक है ना। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अगर एक्सपायर हो तो नहीं जाए आदमी। अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी इस देश में उतनी ही अच्छी होती, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स उतने इक्विप्ड होते, उतने ट्रेंड लोग वहां होते, उतनी दवाएं और जांच की मशीनें होती, तो लोग नहीं जाते। अगर 6-6 महीने एक्सरे की मशीन जिला अस्पताल में खराब नहीं पड़ी रहती तो लोग प्राइवेट में नहीं जाते। इसलिए यह मत समझाइए हमको। मैंने एक सवाल पूछा, क्या आईएमए ने ऐसी कोई अपील जारी की सभी डॉक्टर समुदाय को कि कोविड के समय में रेट को नियंत्रित रखा जाए पूरे देश में? काम हुआ, मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया हम लोगों ने पूरा किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा बेड्स हैं, यहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज है, अभी प्राइवेट सेक्टर में को जरूरत अभी ठीक है। मनोज मिश्रा जी, सबको आपने सुना, सबने अपनी अपनी बात कही और कुछ सवाल भी खड़े हुए बहस में। मेरा मानना इतना है कि जो काम तमिलनाडु कर सकता था 15 दिन पहले, जो काम आज दिल्ली में हुआ, वो काम देश के हर सूबे में क्यों नहीं हो सकता? अमिताभ जी, मेरी बात 2 मिनट धैर्य से सुनिए। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, जो कि आईएमए के सज्जन ने कहा डॉक्टर साहब ने, कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण कम है और अभी वो सरकारी व्यवस्था के नियंत्रण के तहत है, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकारी व्यवस्था लगातार जितना संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में अपनी व्यवस्थाएं बढ़ा रहा है, सुविधाएं बढ़ा रहा है। तीसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सतर्क है, बहुत ज्यादा सतर्क है, फैलाव नहीं हो रहा रोग का और रोग पर नियंत्रण स्थित ठीक है, इसलिए ये जरूरत उत्तर प्रदेश में तो अभी तक नहीं आई। दूसरी बात यह है कि 2500 रुपए कोविड टेस्ट का तय कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहां की 4500 या 5000 की बात हुई। तीसरी चीज ये है, उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है और आपकी ये बात इन प्रिंसिपल सही है कि पूरे देश को इस पर कैपिंग करनी चाहिए और गरीब लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप ये देखिए कि सभी 75 जिलों में ट्रीटमेंट मशीन पहुंच गई, सभी 75 जिलों में वेंटिलेटर पहुंच गए, जबकि वेंटिलेटर का उपयोग उत्तर प्रदेश में 1-2% के आसपास होता है।
तो व्यवस्था पूरी हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर व्यवस्था कर रही है। हम दूसरे प्रदेश में नहीं जाते, मनोज जी हम जानते हैं कि योगी सरकार बेहतर व्यवस्था कर रही है। मनोज जी बिल्कुल दुरुस्त बात है, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करिए, साधुवाद और आगे और साधुवाद देंगे। लेकिन मूल प्रश्न वही है, पूरे देश में आज से एक महीना 15 दिन पहले जब कोरोना शुरू हुआ था, मतलब कोरोना पीक पर आना शुरू हुआ था, तब अगर हम कैपिंग कर देते तो ये बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक और दूसरा, जो 2500 हुआ रेट, एक मिनट, जो 2500 रेट हुआ वो दिल्ली में अमित शाह जी के हस्तक्षेप के बाद, जब दिल्ली में रेट कम हुआ तब उत्तर प्रदेश में कम हुआ। अमिताभ जी मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, मुझे 2 बार मौका मिला और मैंने दोनों बार सरकार की उपलब्धियां और विशेषताएं बताई। अनुराग भदौरिया जी और के पांडे जी लगातार राजनीतिक बात कर रहे थे, उनके पास कोई सही दिशा निर्देश नहीं है कि सरकार को यह करना चाहिए, कोई राय नहीं। हम ऐसी बात नहीं करते, लेकिन हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार है, अगर गृह मंत्री जी या भाजपा सरकार के केंद्रीय नेता हस्तक्षेप करते तो निश्चित तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि हमारी सरकार को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। जब वो खुद फंस गए तब गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने बार फुटिंग पे उसको काम किया और तब ये परिणाम सामने आया। तो केजरीवाल जी हर बात में अपनी बरात मानते हैं, हर बात में आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ये प्रयास उन्होंने क्यों नहीं किया कि दिल्ली की इतनी भयावह स्थिति बन गई और वो इस बात को छुपाते रहे, तो क्यों छुपाया उन्होंने? ठीक है, ठीक है। एक विसंगति और भी है जो मुझे लगती है, बड़े लोग संदेह में आ जाएं इस संक्रमण के तो उनके लिए ये छूट हो जाती है कि आप घर में बने रहो, लेकिन कोई ननकू रज्जाक आ जाए तो उसको ये छूट नहीं, बोले इसको तुरंत भर्ती करो, ले जाके क्वारंटीन करो सरकारी अस्पताल से, वहां सरकारी स्कूल में ना। नियम एक रखिए, राजा और रंक सबके लिए एक नियम बनाइए, एक गाइडलाइन बनाइए, ये दो दो चार चार लाइनें ठीक नहीं ना। राजा लोग घर पर टेस्ट हो जाएगा उनका और ननकू लगाएगा लाइन और खाएगा धक्के, ये तरीका ठीक नहीं। राजीव त्यागी, मसला ये नहीं, जहां डॉक्टर्स अस्पताल के मालिक हैं वहां मेरी नाराजगी डॉक्टर्स से भी है क्या, लेकिन जहां वो अस्पताल में केवल काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के तौर पर, वहां मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा है अगाध। वो प्राण संकट में डालकर काम कर रहे हैं देश भर में, उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में, लेकिन अगर वो अस्पताल के मालिक हैं तो मेरे सवाल उनसे उतना ही तीखा है, आईएमए को अच्छा लगे तो और खराब लगे तो, अगर आपने इतना बड़ा अस्पताल खोला है तो 2 महीने 4 महीने मदद कर दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुंबई के बोरीवली में एक 20 माले की बिल्डिंग जिसमें मेरे ख्याल से 350-400 फ्लैट बन के तैयार थे, लोगों ने पैसा दे दिया, पोजिशन लेटर मिल गए, बीएमसी ने कहा कि हम जगह ढूंढ रहे हैं एक क्वारंटीन सेंटर के लिए, जिन लोगों को जो किराए पर रह रहे थे अपना मकान में शिफ्ट करना था, उन्होंने कहा हम शिफ्टिंग 6 महीने टाल देते हैं, ये बिल्डिंग बीएमसी को दे दो, 6 महीना किराया भरेंगे। क्या ये काम अस्पताल नहीं कर सकते थे? और अगर ये सवाल पूछो तो कहा जाता आप टारगेट करते, ये क्या तरीका भाई? देखिए अमिताभ जी, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी अपने लेवल पे इसमें सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, वो शोर नहीं मचा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। जब जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीज़ें मांग रही है, अगर वो कहती है कि हमें यहाँ पे हॉस्पिटल्स चाहिए, 200 बेड के लिए कोरोना का हॉस्पिटल चाहिए, तो दे रहे हैं। उनके मैं एग्जाम्पल्स आपको को 2-4 हॉस्पिटल्स के अभी दे देता हूँ। इसमें संतोष हॉस्पिटल है, बिल्कुल फ्री है, प्राइवेट हॉस्पिटल है सर, गवर्नमेंट नहीं है, और बाकी और भी हॉस्पिटल्स हैं। एक मरियम हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, उन्होंने 60 बेड्स, सर आप ही टेक ओवर ले लीजिए, गवर्नमेंट ही टेक ओवर ले ले, ठीक है, तो और उसका कोई रेंट नहीं है। देखिए जो कर पा रहा है, जो अपने लेवल पर कर पा रहा है, लेकिन एक मिनट सर, बेसिकली क्या है,
कि जो अपने लेवल पे जो डॉक्टर्स, जो संस्था, जो नर्सिंग होम एसोसिएशन या जो आईएमए कर पा रहा है वो कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि पॉलिटिशियन तो अपनी बात को शोर मचा मचा के कह लेते हैं, हम डॉक्टर्स बेचारे कहते नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम लोग ज्यादा कन्वर्सेशन और ज्यादा बात भी नहीं कर पाते, इसकी वजह से जो है राजीव समय सभी के टारगेट रहते हैं। अलग-अलग रखिए, डॉक्टर की प्रैक्टिस को अलग रखिए और डॉक्टर के कारोबार को अलग रखिए। अस्पताल के मालिक हो जाते हैं जब वो, तो उनकी भूमिका बदल जाती है, दोनों का अलग रखना होगा। ठीक है, राजीव त्यागी, इसमें डिफरेंस है। ना ना, एक मिनट, अगर सब इतना ही सही चल रहा होता तो फिर केंद्र सरकार को और तमिलनाडु सरकार को ये कैंपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताता हूँ क्यों। ये क्या अमिताभ अग्निहोत्री के घर में जा रहा है? ठीक है, अब मेरे पास अभी समय देता हूँ। बड़े हॉस्पिटल्स, वहां काम अगर 500 डॉक्टर कर रहे हैं तो मालिक तो कोई एक है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, नॉन डॉक्टर भी हो सकता है, आदेश निर्देश उसका चल रहा है, बाकी सब तो एम्प्लॉई है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिल तो वो नहीं बना सकते ना, बिल तो बनाएगा प्रबंधन, लड़ाई तो प्रबंधन से। सही कह रहे हैं, डॉक्टर थोड़ी ना फोन करता है ऊपर पेशेंट के कमरे में कि भाई नीचे आके 2 लाख रुपए जमा कराओ, नहीं तो पेशेंट ले जाओ। अनुराग भदौरिया, अमिताभ जी, जो आपने बात कही है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बात वही आईएमए के गुप्ता जी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि के गुप्ता जी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। आईएमए तो हमें लगता है इंडिपेंडेंट संस्था होती है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ा 1 लाख का कर दिया। अरे गुप्ता जी, आपको अगर बीजेपी का प्रवक्ता बनना है तो बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता से जाइए, आईएमए को बोल दीजिए हम सरकारी बॉडी है। कमाल की बात करते हैं आप भी। अमिताभ जी क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जब आप कुछ आप डॉक्टरों पे ले गए, उसको इमोशनल खेलने लग गया कि डॉक्टर कोविड में बहुत काम कर रहे हैं। अरे डॉक्टर पे उंगली कौन उठा रहा है? डॉक्टर पे उंगली उठाई जा रही है प्रबंधक के ऊपर में, जो हॉस्पिटल के मालिक है। आप अपने ऊपर में ले आइए, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने घर में घुस के बातें कर रहे हैं, रोड पे डॉक्टर से आप खड़े होकर काम करके देखिए, फालतू की बकवास करने से बात नहीं बनती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे आप, तो बीजेपी की चापलूसी। ठीक है, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, ये सब आपको क्या पता? ये सब राजनीति आपको क्या पता? दी है आप फालतू की बातें, राजीव क्या की राजनीति राजनीति करना जानते हैं? आगे बात, आइए मैं नर्सिंग होम एसोसिएशन पर फालतू की बातें मत उठाइए। सरकार की तारीफ, अपनी राजनीति कीजिए, अपनी राजनीति रोटी सेकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। डॉक्टर की करने लगे आप, मालिक जो है वो यहाँ पे लूट मचा रखी है हॉस्पिटल के मालिकों से। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपके पास कुछ कहने के लिए बात नहीं चाहिए? सही है, कैपिंग कर देनी चाहिए आपके पास आता हूँ। अरे कैपिंग तुम करवाओ ना, सरकार करवाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, क्यों नहीं करवा पाते हो? भाई इनकी आवाज बंद करिए राजीव त्यागी की। अरे आप मेरी बहस में, मैं अनुराग भदौरिया अभी आपकी आवाज बंद कर रहा हूँ, अभी नहीं, मेरी बहस में से नहीं चलता, वो दूसरी जगह ऐसी बहस होती होगी, सबको मुबारक, यहां नहीं चल सकता। मेरा एक तरीका है बहस करने का। के पांडे जी, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं कि देश भर के निजी अस्पतालों में कैपिंग सरकार कर दे, इसमें लोग तमतमा क्यों रहे हैं? कोई गलत बात कह दी क्या लोकतांत्रिक देश में कि कैपिंग सरकार कर दे महामारी में? उसको अधिकार है, एक्ट में लिखा है। तमतमाने जैसी अमिताभ जी, इसमें क्यों लोग भड़क रहे हैं? हमको मालूम है नस कहां दबी है, ये गुस्सा क्यों है हमको मालूम है। महामारी एक्ट में सरकार को महामारी एक्ट में सरकार को पूरा अधिकार है, और सही बात है कि अस्पतालों को सारे प्रांतों में, कोई एक प्रांत में नहीं है, उनको अपना रेट कम करना चाहिए। गरीब तो मर जाएगा, गरीब तो पैदल चल के मर गया, बस ट्रेन के अभाव में मर गया, गरीब तो अभी गांवों में जो है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, अभी हम बात करेंगे तो मनोज मिश्रा जी ने अभी कहा कि सपा के और कांग्रेस के मित्र जो है राजनीति की बात कर रहे हैं। बात तो होगी, बात तो इसलिए होगी कि 30 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए, प्रवासी जिसको हम कहते हैं, और उनके आने के बाद कोटेदारों को जो मिलता था मार्च के पहले राशन, उसमें 1 ग्राम नहीं बढ़ाया गया, और उसी में एडजस्ट करके ये 30 लाख लोगों को भी दिया गया।
तो जब सरकार एक ग्राम राशन नहीं दे सकती इन गरीबों मजलूमों मजदूरों को, तो वह अस्पताल के मालिकान से 1/3, 1/2 कम करने को कैसे कह सकती है? उत्तर प्रदेश की सरकार तो पूरी तरह से ठीक है, इनसे गरीबों से छोटी सी टिप्पणी सैयद जरीन से लूंगा, मेरे पास समय कम है। सैयद जरीन, क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होता देश भर के स्तर पर कि जो थोड़े से आर्थिक तौर पर ठीक लोग हैं, वो जो वर्ग भारत का है, वो सरकारी सुविधा पर बोझ नहीं बने? सरकारी सुविधा केवल और केवल COVID-19 में गरीब के लिए रहे एक्सक्लूसिवली, इसके लिए जरूरी था कि मध्यम वर्ग निजी क्षेत्र में इलाज करा पाए तो रेट उसके वाजिब हो, दोनों के लिए बेहतर नहीं होता? एग्जैक्टली आपने अमिताभ जी आपने बहुत अच्छी बात ये कही है और यही होना भी चाहिए। जिस तरीके से पेंडेमिक आग जो लगा हुआ है, और किसी भी देश की देखिए अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो वो मध्यम वर्गीय लोग यानी कि मिडिल क्लास होता है। तो मिडिल क्लास जिस तरीके से बीमार पड़ रहा है, देखिए कोविड के अलावा जो और भी बीमारियां हो रही हैं और वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो चाहे वो कर्ज लेकर के अपना इलाज कराए, चाहे वो अपनी जायदाद बेचकर इलाज कराए, इलाज तो वो कराएगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट में हो। हर एक देखिए जान एक जिंदगी एक ऐसी चीज होती है जो बहुमूल्य होती है, उसका कोई मोल नहीं होता है। तो जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका हमारे देश का है, तो जब वो नॉर्मल बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक या कोई भी बीमारी अगर हो रही है, तो जब वो जा रहा है जांच कराने के लिए, तो रैपिड एंटीजन जो मशीन है उसमें 20 से 24 मिनट के अंदर कोविड का जो है वो रिजल्ट पता चल रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके बिना कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है, अमिताभ जी के पास संवाद की टिप्पणी के लिए जा रहा हूँ। अमिताभ जी प्लीज देखिए, जो नई तकनीक की बात जरीन कर रही है ना जी, उसमें भी एक लोचा है, उसका संतुलन वैज्ञानिक ही खोजेंगे भाई, मैं तो नहीं खोज सकता। वो नई तकनीक में भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो 100% मान लिया जाएगा कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप निगेटिव हैं उस वो गन वाली जो कौन सी मशीन है ये उससे इंफ्रारेड थर्म नहीं, इंफ्रारेड बुखार नापने की नहीं, कोविड के टेस्ट की जो नई मशीन आई है जो दिल्ली में दी गई लेकिन अगर आप निगेटिव पाए जाएंगे तो आपको कोविड के परंपरागत टेस्ट में से गुजरना होगा दोबारा, जिसका रिजल्ट 48 घंटे बाद आएगा। अगर आप बहुत बड़े आदमी नहीं है तो 48 घंटे बाद आएगा, और बहुत बड़े हैं तब तो भैया मैं ननकू रज्जाक की बात कर रहा हूं, है ना। इसलिए उस मशीन से भी पॉजिटिव पता लग जाएंगे, निगेटिव में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यह एक दूसरा संकट है जिसको समझना पड़ेगा। मैं बहस को समाप्त करूंगा, समय कम है। सरकारी व्यवस्था में जो चिकित्सा के लोग लगे हैं, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, इवन सफाई कर्मचारी, उनके लिए सबसे ज्यादा लड़ा हूं, सबसे ज्यादा भिड़ा हूं, बोला हूं, इसलिए हमको ज्ञान मत दो। सबसे पहले ये बात मैंने उठाई थी कि सफाई कर्मचारी जो अस्पताल में है उस सबसे खतरे की जद में है, उनके लिए बीमा हो, ये मुझे समझाएंगे लोग? लेकिन अगर आप उस आड़ में बचना चाहो, उन अस्पतालों को बचाना चाहो, उनके मालिकान को, तो ये साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। 50,000 रुपए पर डे का पैकेज अगर आप उस आड़ में जायज ठहरवाना चाहो कि नहीं नहीं ये तो मेडिकल प्रोफेशन पर उंगली उठा रहे हैं अमिताभ जी, नहीं नहीं चलेगा। मेडिकल प्रोफेशन अलग है, उसके प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन मेरा जमीन है 50,000 रुपए प्रतिदिन कोरोना के इलाज का कैसे मंजूर कर लेगा इस देश में? और अगर मैं मंजूर कर लूं तो मैं खुद को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा, कौन भाई के लाल इलाज करा पाएगा? और अगर सब इतना ही सही था तो तमिलनाडु ने क्यों किया और दिल्ली ने क्यों किया, और कल और परसों में उत्तर प्रदेश हरियाणा भी करेंगे, दोनों राज्यों से कहा गया कि करिए। गोल गोल बातें करना बड़ा आसान है, ये नया चलन चल गया है इस देश में कि जब कहीं फंस जाओ, तर्क नहीं मिले तो इमोशनल कार्ड खेल दो, इमोशनल कार्ड कि बताइए अग्निहोत्री जी ने तो चिकित्सा सेवा पर सवाल उठा, ना जी ना 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 ना, ये मेरे साथ मत खेलिए,
दूसरी जगह कहीं खेल लीजिएगा। मैं अपने तर्कों से ये सारी बातें भोतरी कर दूंगा। केजीएमयू के नर्सिंग स्टाफ की पीड़ा अमिताभ अग्निहोत्री लेके आए थे, आईएमए नहीं आया था, ये मुझे समझाएंगे? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से डॉक्टर्स के लिए जो खाना था वो अच्छा नहीं था, ये सवाल अमिताभ अग्निहोत्री ने उठाया था, ये आईएमए कहा थी, ये मुझको समझाएंगे? दादा वो और लोग थे जिनको समझा सकते थे, मुझे नहीं। मुझे चिंता थी कि मेरा डॉक्टर है, मैंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि मित्र इनको सर्वोत्तम भोजन उपलब्ध होना चाहिए, क्या हम इतने गरीब हैं? मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को भी, 24 घंटे में व्यवस्था बदली। कहां थे यूनियन वाले लोग? ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए जी, लेकिन ये मंजूर नहीं कर सकता कि धन्ना सेठों के अस्पतालों के रेट कार्ड की वकालत की जाए पर्दे में छुपकर, डॉक्टर्स को आगे करके उनके मालिकों के इस भौतिक दोहन को सही ठहराया जाए। ये नहीं होने दूंगा न करने दूंगा, ये भी जान लीजिए, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अजब हाल है इस मुल्क में, गरीब के लिए संकट पैदा हो जाए बोलो नहीं, गरीब इलाज ना करा पाए बोलो नहीं। क्यों भाई? उमर अब्दुल्ला को जेल नजरबंद रखा गया 6 महीने, 5-स्टार होटल में कुछ समय वो रहे, 5-स्टार होटल ने अपना बिल भेज दिया, सरकार ने पलट के जवाब दे दिया कि जेल एक्ट के तहत इनको रखा गया था, उसको जेल मान लिया सरकार ने, होटल को आपको 460 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, खत्म हो गई बात। कहे की यूनियन में जी आपदा के समय वही काम होना चाहिए, अब्बल तो बेहतर होता अस्पताल खुद सहयोग करते प्रबंधन, और अगर नहीं किया तो कानून लागू होना चाहिए कश्मीर से कन्याकुमारी असम से गुजरात तक। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर पीके गुप्ता जी, के पांडे जी, सैयद जरीन जी, राजीव त्यागी जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये भी इधर सच है कि जब केंद्र ने कदम उठाया तब कहीं जाकर ये रेट नीचे आए हैं, ये रेट कम हुए हैं। जी हाँ, इस खास कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए आर9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।